जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करती हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है हरियाली अमावस्या और साथ ही रवि पुष्य नक्षत्र, बहुत बड़ा योग है ये। इस योग में हम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं, इस योग में हम पितरों से आशीर्वाद ले सकते हैं, इस योग में हम अपनी पहनी हुई अंगूठियों को रिचार्ज कर सकते हैं, इस योग में हम अनेकों मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। श्रावण की अमावस्या है, इसलिए हरियाली अमावस्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का पंचांग। 4 अगस्त सन 2024, दिन रविवार, संबंध 2081, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र पुष्य, राहुकाल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे विधान, कैसी कैसी रहस्य में भरी बातें हमारे ऋषि मुनि हमें दे करके चले गए हैं। हम वास्तव में अपने ऋषियों के ऋणी हैं और हम अपने आप को बहुत ही धनी समझते हैं कि हमें कैसी कैसी चीज़ें हमारे ऋषि मुनि बताते रहे हैं और बता करके चले भी गए हैं। संसार में अपने आप में इकलौता सनातन धर्म है जो ऐसी ऐसी तिथियों में अपनी दिवंगत आत्माओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने बिछड़े उन प्रिय और प्रियतम साथियों के लिए, परिवारजनों के लिए जो आज संसार में नहीं हैं, उनके लिए भी सनातन धर्म में उनके जाने के उपरांत दान पुण्य और विशेष प्रकार से मंत्रों का संयोजन करके विलक्षण बातें उपस्थित हो जाती हैं। आपको ये अनूठा कहीं नहीं मिलेगा। बेटे ध्यान रखना, आज सनातन धर्म को तार तार करने का प्रयास बहुत गंभीरता से, बहुत लुक छिप करके हो रहा है। आप इस बात का ध्यान रखना, आपका 1-2 मिनट लूँगा। आज आप देखते जा रहे हैं जो कभी 30 त्यौहार आज से 15-20 साल पहले जिनमें रस था, आज उन 30 त्योहारों की उपेक्षा करीब करीब होने लगी है। करीब करीब मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। आज हमारे बच्चे ऐसी कई बार शिक्षा ले लेते हैं कि वो अपने माता पिता को नाम रखने लगते हैं। आप ये क्या नौटंकी कर रही हो, आप ये क्या कर रही हो, इन सब से क्या होता है, आज ये बातें पर्याय सुनने को मिल रही हैं। इसलिए ध्यान रखना, बात को समझें। भगवान से बिछुड़ने के बाद हमारे पास है क्या, हमारे पास बचेगा क्या? विश्व में सत्य सनातन धर्म के हिसाब से भारतवर्ष की धरा और ये वसुंधरा हमारे लिए है और कोई जगह हमारे लिए नहीं है। आप ये बात ध्यान रखना। इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना, अपने आप को धन्य समझना कि आपने सनातन सत्य धर्म में आपने जन्म लिया है। इसलिए बेटे अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म की बातें लोगों से करना, अपने धर्म की जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं अपने बच्चों को, परिवार को बताना, ये आपका पहला धर्म बनता है। आज हमारे ही धर्म में कितनी नौटंकियाँ हो रही हैं, कितनी बातें हमें कोई कह जाता, कोई न जाने कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यकीन नहीं आता कि लोग किधर हमारी धार्मिक लोगों को लेकर के जा रहे हैं। आज कोई नाच करके, कोई पता नहीं कैसे कैसे कर करके, हो हल्ला करके, हुड़दंग करके, न जाने कैसे कैसे रूप बना करके आज बहुत सारी परिस्थितियां विषमता की तरफ जा रही हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आप समझते हैं, बखूबी आप लोग समझते हैं, लेकिन बेटे ध्यान रखना, बस कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका घर में भगवान है, आपके अंदर प्रभु की माया है, लीला है, वास है। आप अपने छोटे से घर के मंदिर में बैठकर ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। अगर हम भारत के ऋषियों की बात करें तो वो अपने ही कंदराओं में बैठ करके, अपने ही
छोटे छोटे कक्षों में बैठ करके उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। परम पूज्य गुरुदेव मथुरा में घिया मंडी में हैं, आप कभी घिया मंडी जिन्होंने गुरुदेव का वो धाम देखा हो, छोटा सा एक कमरा है, बहुत छोटा सा, उसी में बैठ करके परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पुरुषणों को किया है। कहने का भाव, भागीरथी को देखो कि किस प्रकार से हिमालय की कंदराओं में बैठ करके माँ गंगा को प्रसन्न किया है और जन जन के लिए धरा पर गंगा को ले आए हैं। आप देखो तो किस प्रकार से हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने ही स्थान पर कहीं ना कहीं अपने आश्रम में अपने स्थान पर बैठ करके अपनी तप तितिक्षा तपश्चर्या को किया है। इसलिए आप बात को मेरी कहने का समझो, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप बस अपने स्थान पर एक स्थान पर रुकें। और वैसे भी ये तो चतुर्मास चल रहा है, अच्छे से अपनी सेवा साधना में लगे रहिए, भगवान आपसे प्रसन्न होगा। पॉइंट पर आते हैं, आज हरियाली अमावस्या है, एक लोटे में जल तिल मिलाकर के मिष्ठान डाल करके दक्षिण दिशा में ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके जरूर दीजिएगा, आपके पितृ तृप्त संतुष्ट होंगे। आपने कोई भी अंगूठियाँ वगैरह पहनी हो, जल से धो करके कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके अंगूठी उसमें डाल दें और यज्ञ करें। यज्ञ करें गायत्री मंत्र की 24, 51, 31, 108 आहुतियाँ दें। अगर खास तौर से रूबी आपने पहना हो तो फिर सूर्य मंत्र से भी, जो सूर्य गायत्री मंत्र है उस मंत्र से भी 21, 11, 31 आहुतियाँ दें। मात्र चाहे देसी घी की दें, कॉमन सामग्री की दें, करके यज्ञ प्रणाम करके उस यज्ञ के ऊपर यानी कि उसके वाष्प में, उसके धुएं आदि में थोड़ा सा अपने रत्नों को वो कर लें। उसके बाद पुनः रत्न को धो करके साफ कर करके जिस देवी देवता से संबंधित है, जिस ग्रह से संबंधित है, पुनः पहन लें, आपको अच्छा आनंद आएगा। और जो यज्ञ गायत्री यज्ञ घर में किया गया है उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके ग्रह प्रसन्न होते हैं, आपके घर की आभा प्रसन्न होती है, आपके घर का वास्तुमंडल, आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसलिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये मत समझें कि आपको पूजा करनी नहीं आती, आप ये मत समझें आपको यज्ञ करना नहीं आता, आप ये मत समझें कि आप बहुत प्रकांड आपको कर्मकांड की आवश्यकता है, आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मात्र यदि आपके भाव बड़े हो गए ना तो सारी चीज़ें छोटी पड़ जाएंगी। भाव बड़े ना हों तो आप कितना भी विस्तारित कर्मकांड कर लीजिएगा, आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। भाव से भगवान की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए अच्छे से अपने भाव को जगाते हुए आज हरियाली अमावस्या है, बहुत अच्छे से करिएगा। आपके पूर्वजों को क्या पसंद था खाने में, आपके घर में जैसे अब हमारी माताजी नहीं है, फादर नहीं है हमारे, तो ऐसे ही आपके पूर्वजों को क्या पसंद था, क्या वो खाना पसंद करते थे, कौन सी मिठाई, कौन से फल, उनके निमित्त आज उसे यत्र तत्र बांटिएगा। और एक अमोघ उपाय, आप क्या करें, गेहूँ ले लें, वो गुड़ ले लें 5-5.25 किलो, कूट लें उसको, और आटे की जो छानस होती है उसको चोकर कहते हैं, जो बूर सा निकलता है उसमें से, वो भी 5-6 किलो चक्की से मिल जाएगा, ले आएँ। हल्का सा पानी का छींटा दे करके लड्डू से बना लें, गुड़ की मात्रा हर उसमें कम रखें क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी है, बहुत थोड़ा थोड़ा गुड़ रखें। किसी भी गौशाला में जाएं, गायत्री मंत्र बोलते हुए आप थोड़ा थोड़ा गौ माता को, जहां बहुत सारी गायें हों, थोड़ा थोड़ा खिला में, बेटे आपको बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। ऐसी चोकर वाली, गेहूँ वाली और गुड़ वाली ये लड्डू खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को बहुत अच्छे से उनकी कृपा प्राप्त होती है, गौ माता का शुभ आशीष प्राप्त होता है। बैल हों, नंदी हों, सबकी सेवा करें। और दूसरी बात, जो लोग जैसे पुष्य नक्षत्र भी है आज, जो लोग बेल की जड़ पहनना चाहते हों रूबी के लिए, जिनकी कुंडली में, जिनके जन्मांक में कहा जाता है कि आप रूबी पहन लें, तो वहाँ रूबी ना पहने, आप चाहे बेल की जड़ पहन लें। तो बेल वृक्ष की जड़ निकाली जाती है, निमंत्रण दिया जाता है एक दिन पहले, जैसे आज रविवार है, शनिवार को निमंत्रण दिया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है खास विधि से, फिर उसको धारण किया जाता है। ये सारी चीज़ हमने कल के अंक में बताई है, कल का अंक जिन्होंने ना सुना हो तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब तो
समय आज 1:30 बजे तक हम ऐसा कर सकते हैं, अभी सुबह के 7 बज कर के मे भी 7-8-9 मिनट हुए होंगे। तो आप 7:30 दिन के 1:30 बजे तक आप चाहें तो केले की जड़ भी धारण कर सकते हैं। उसके लिए के इसकी केले की कह रहे हैं बेल की जड़, उसके लिए बेल की जड़ कैसे धारण करें या जड़ी की धारण विधि, हमारा नाम डाल लें, हमारे अनेकों एपिसोड पुराने आ जाएंगे, सारी विधि हमने विस्तार से उसमें बताई है। अभी आपके पास समय कर सकते हैं, करना चाहें तो जिन्होंने पहले की हो उन्हें पुनः दोबारा से धूप दीप उस पर आप लोग दे सकते हैं। आज के दिन यज्ञ आदि करके तांबे का छल्ला रिंग फिंगर में मंगल प्रसन्न होंगे, सूर्य प्रसन्न होंगे, तांबे का कड़ा, तांबे की चैन भी पहनी जा सकती है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और क्या बताएं, दूसरी बात इसके साथ साथ एक और ध्यान रखें, गायत्री मंत्र आज के दिन जपें। आज के दिन बहुत अच्छे से गुरु मंत्र की सेवा करें, गुरु मंत्र को जपें। आज के दिन चलते फिरते अपने इष्ट मंत्र को, गुरु मंत्र को, दीक्षा मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते आप जपें। गायत्री मंत्र का आज के दिन ऐ जपा जप करें, आपको बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी, अमूल्य है आज की। ये सावन का महीना, सावन के महीने में रविवार वैसे भी अच्छा होता है, और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र और हरियाली अमावस्या अपने आप में अनेकों कार्यों को सिद्ध करने वाली मानी गई है। इसलिए बेटा कुछ दान वगैरह, कुछ भक्ति वगैरह जितना आपसे बन पड़े आज के दिन आप लोग करने का प्रयास जरूर करना। आइए समय हो चला आज की साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी भगवती माँ दुर्गा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां। खड्गं चक्रगदेषु चाप परिगान् चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां। नीलास मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। यामास्तु स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं। विद्युद्दाम समप्रभा मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां। कन्या विहकरवालखेट विलसा दस्ताविरासेविताम्। हस्तेश्चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं। विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सुवासी हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, वैसे तो सारी चीज़ें आज के इस अंक में आ गई हैं, और अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, हमारे मुख्य 3-4 प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक पेज है हमारा इंद्राक्षी धाम, और एक हमारे नाम से धर्मेंद्र शर्मा के नाम से जो चैनल है, तीनों पे जुड़े रहें। और एक चीज़ ऐड और कर लें, आप स्क्रीन पे देखते होंगे ग्रीन रंग का एक साइन आता है व्हाट्सअप का, तो ये व्हाट्सअप चैनल भी बनाया गया है, इस व्हाट्सअप चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, ताकि बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ आपको बहुत शीघ्र इस चैनल पर प्राप्त होने लग जाएंगी। तो आप जुड़ जाइए, आपको लाभ रहेगा। और बाकी बहुत सारे ऐसे पुराने भी हमारे अंक हैं, आपकी जो भी समस्या है, जैसी समस्या है, उससे संबंधित हमारे पुराने अंकों को भी देखा करें, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर पता लगेंगी। हमने आपसे जैसे कि कहा था कि आने वाले समय में एक विशिष्ट साधना
आप लोगों के द्वारा फिर कराई जाएगी। आपको बड़ा उससे आनंद आएगा जुड़ने के उपरांत, और वो समय बहुत शीघ्र आने वाला है। थोड़ा सा बरसात का समय भी निकल जाएगा, गर्मी भी निकल जाएगी, और इतने आप अपने आप को सचेत कीजिए, मन बनाइएगा ताकि सब कुछ अच्छे से हो सके। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं किन कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो इनसे मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या है, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय 10:00 से शाम 6:00 तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।